हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं मुंबई के उस सुंदर दृश्य को दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि आप देखना चाहते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूं मुंबई की फेमस मैरिन ड्राइव पर, और यहां से नरीमन पॉइंट सीधे मेरे स्टेट अगर जाऊंगा तो लगभग 1 किलोमीटर इसी के एंडिंग पॉइंट में नरीमन पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुंबई की खचाखच भीड़ है, और यहाँ पर हर शाम को ऐसी ही भीड़ लगती है। अगर आप मुंबई आओगे तो इस जगह पर ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर दृश्य दिखेंगे जो कि आपने आज तक ना तो देखा है और ना ही सुना है। तो यहाँ पर शाम को इवनिंग वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए, कोई बहुत सारी एक्टिविटी करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। और नरीमन पॉइंट की बात की जाए तो इसी की एंडिंग पॉइंट में है, और वो इसलिए फेमस है नरीमन पॉइंट क्योंकि यहाँ पर सारे बिजनेस, मोस्ट एक्सपेंसिव बिजनेस हैं यहाँ पे, और उनके ऑफिसेज हैं जैसे BMW, ट्राइडेंट होटल एंड बहुत सारे मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ों के यहाँ पर होटल एंड ऑफिसेज हैं, इसलिए नरीमन पॉइंट फेमस है। लेकिन आज मैं आपको नरीमन पॉइंट नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर है, लेकिन मुंबई के इस सुंदर दृश्य को दिखाने का प्रयास करूँगा। वैसे तो यहाँ पे दिन भर भीड़ लगी रहती है, लेकिन शाम के समय यहाँ की भीड़ 4 गुना हो जाती है, क्योंकि सभी ऑफिस से रिलैक्स, ऑफिस के बाद यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए, कपल यहाँ पर घूमने के लिए, और कुछ तो फैमिली वाले अपने बच्चों को यहाँ पे घुमाने के लिए आते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि मुंबई बहुत ही कंजेस्टेड प्लेसेज है, बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी जगहों में रहते हैं जहाँ पर उनको घूमने तक के लिए, वॉकिंग करने तक के लिए समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके वो इन्जॉय करते हैं और बिल्कुल घूम कर अपने और अपने फैमिली का माइंड फ्रेश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ, बॉयज़, सिंगल लड़कियाँ एंड कपल्स, बच्चे, सब कोई बैठे हुए हैं, और मैं आगे चल के और कुछ अच्छे अच्छे दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं, ये भी अच्छा, वो बबल्स उड़ा रही हैं। तो ये मुंबई की लड़कियाँ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, और बहुत सारे सिंगर लड़के हुए इनके पास में बैठे हुए हैं जो कि मेरे कैमरे की तरफ घूर घूर के देख रहे हैं। लेकिन मैं इनको नहीं देखूँगा, मैं और आगे चलूँगा और आगे चल के आपको अच्छे दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा और इस जगह के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे आया जा सकता है। यहाँ पर आने के लिए आप CST से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो मुंबई का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से बस भी ले सकते हैं जो कि 15 रुपये में यहाँ तक पहुँचा देगी। अगर आप टैक्सी लोगे तो लगभग 80 रुपीज़ यहाँ तक आने के लिए लगेंगे। अगर आप कुलावा कॉजवे या गेटवे ऑफ इंडिया के पास हो तो वहाँ से यहाँ तक लगभग 30 रुपये में आप टैक्सी के द्वारा आ सकते हो। बहुत ही पास है अगर बात की जाए तो मुंबई के CST रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पर आके आप वो मुंबई की सुंदरता देख सकते हैं। यहाँ पर हाई प्रोफाइल पीपल से लेके गरीब से गरीब आदमी तक यहाँ पर आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, किसी पब्लिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग यहाँ पे वॉकिंग करते हुए, एक्टर एक्ट्रेस भी यहाँ पे दिख जाएंगे। लास्ट में नरीमन पॉइंट के पास शूटिंग चल रही है, लेकिन आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि एक वीडियो में सारा कवर नहीं कर सकता हूँ। मैं धीरे धीरे चल के आपको वहाँ तक जाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में नरीमन पॉइंट में जो शूटिंग चल रही है उसे आपको दिखाऊँगा, जिससे आपको पता चले कि मुंबई की मैरिन ड्राइव में ये भी होता है। और इस मैरिन ड्राइव पर यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वाटर, वाशरूम्स एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। अगर आप घूमने आते हैं तो यहाँ के बगल में ही जस्ट सब कुछ बनाया गया है, और यहाँ पर पुलिस हमेशा तैनात रहती है किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। तो अगर आज का यह वीडियो और यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।